असलकुम आज हम मकई के आटे की रोटी बनाने लगे हैं और उसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी पहले हमने एक कनाली में आटा ले लिया आप किसी भी बर्तन में ले लें आटा और उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना आपने आटे को और नीम गर्म पानी ले लेना ले और नीम गर्म पानी के साथ ही ये आटा गूँधा जाता है क्योंकि दूसरे सादा पानी के साथ नहीं गूँा जाता अब आटे को थोड़ा सा साइड पर रख लें और जो थोड़ा सा खुश्क आटा रखना और थोड़े से आटे में पानी मिलाना और साथ साथ उसको हाथ के साथ मलते जाएं दूसरे आटे आम आटे की तरह इसको नहीं गूंदा जाता है ये आटा थोड़ा सा मल मल के गूँना पड़ता है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसमें आटा मिक्स करते जाते हैं सूखा आटा मिक्स करते जाते हैं और साथ साथ इसको गूंदते जाते हैं साथ साथ पानी हा हाथ लगाते जाते हैं ये मुझे क्या हो जाता है मैं क्या बोलना शुरू हो जाती हूँ मुझे समझ नहीं आती है साथ साथ थोड़ा सा पानी लगाते जाते हैं उल्टा सीधा बोलने लग जाती हूँ थोड़ा सा पानी लगाते जाते हैं ये गुड़ वाला भी साथ ही हम गूंद रहे हैं थोड़ा सा हमने साता बनाया और थोड़ा सा गुड़ वाला बनाया हमने दोनों रोटियाँ हमने पकानी हैं और साथ में साग को हम तड़का भी लगा रहे हैं थोड़ा सा आपको नज़र आया बीच में और ये भी सेम वैसे ही मलमल के गूँा जाता है आटा गुड़ वाला भी वैसे ही सेम तरीके से गुना जाता है इसमें यह कि थोड़ा सा आपने बस पानी में गुड़ को मेल्ट कर लेना है और फिर इसमें ऐड करते जाना है जितना मलेंगे उतना ही आटा अच्छा बनेगा उतनी स्मूथ रोटी उतनी अच्छी बनेगी टूटेगी नहीं रोटी क्रैक नहीं पड़ेंगे उसके अंदर आटा गुन चुका है अब हम छोटा सा इसका पेड़ा बना लेंगे और हमने बेलन के ऊपर जो है वो थोड़ा सा कागज़ भी छा लिया था कि ये टूटे ना या फटे ना इसमें क्रैक्स वगैरह ना आए हमें दूसरी तरह नहीं बनानी आती है अब बेलन के साथ तो इसलिए हमने खुद ही इसके ऊपर लगा के तो उसको चौड़ा करते जाते रोटी को तवे के ऊपर घी लगा लेना है और अब इसके ऊपर तवे के ऊपर डाल देनी और तवे के ऊपर डाल के थोड़ा सा इसके हाथ के साथ प्रेस कर दे ताकि कहीं से मोटी है तो वो पतली हो जाए थोड़ा थोड़ा इसको रोटेट करें ताकि अच्छा सा कलर भी इसका आए और नीचे से देख भी लें कि कहीं जल तो नहीं रही है इसको छोड़ना नहीं है नीचे से देखते रहना है आग जो है वो आपने मीडियम ही रखनी है बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी और बहुत कम भी नहीं रखनी है साथ में थोड़ा सा घी लगा दें जो मर्ज़ी घी लगा लें आप देसी घी लगा लें या मक्खन लगा लें जो भी आपके पास अवेलेबल है वही लगा लें आप हमने देसी घी लगाया था अब इसको फ्लिप कर देंगे दूसरी साइड पे अगर आप चिमटे वगैरह के साथ पकड़ेंगे तो ये टूट जाएगी ये बहुत केयरफुली रोटी पकानी होती है ये टूट जाती है आप देखें कितनी खूबसूरत रोटी बन गई है कितना मज़े की और कितना अच्छा कलर है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू